नमस्कार भक्तों, आज आपको बताते हैं अंडे से एक महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका। इसको करने के बाद कोई लड़की हो या लड़का आपके मोहब्बत में पागल हो जाएगा। ये वशीकरण विधि आपको अंत तक जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें कुछ छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और अगर आप उन्हें ध्यान से देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से वशीकरण टोटका काम करता है। तो आप आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है, ये अंडे से महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। और आपको बता दें कि इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी। आपको सिर्फ एक अंडा लेना है और एक रेड कलर का मार्कर लेना है। ये इसमें से हम एक अंडा इस्तेमाल करने वाले हैं अभी, और उसके अलावा आपको एक लाल रंग का मार्कर चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप, या फिर आप स्केच पेन भी ले सकते हैं, मार्कर ले लीजिए, लेकिन लाल रंग का आपको लेना होगा जो कि इसके ऊपर काम करेगा, यानी इसके ऊपर चलेगा। आप लाल पेन से नहीं कर पाएंगे तो मार्कर या आप स्केच पेन लेकर इससे कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए उस स्त्री का नाम या उस पुरुष का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। आपको बता दें कि साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए उस लड़की का, उसकी माता का नाम, क्योंकि इस वशीकरण के उपाय में हम लड़की और उसकी माता का भी नाम लिखेंगे। कई बार क्या होता है कि आप लड़की को वश में कर लेते हैं, लेकिन उसकी माता अगर वश में नहीं होती है तो फिर सारी परेशानी खड़ी हो जाती है। और भक्तों, एक और बात याद रखें कि इस वशीकरण के उपाय को किसी भी गलत धारणा या गलत विचार के साथ ना करें, क्योंकि इसका गलत फल आपको मिल सकता है। तो अच्छी भावना के साथ आप इसका उपयोग करिए। अगर आप किसी लड़की को प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो लड़की आपके जीवन में हमेशा के लिए आ जाए, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए महाशक्तिशाली वशीकरण उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका मंत्र जो है वो सिद्ध किया है गुरु जी ने, और ये सिद्ध किया हुआ मंत्र आपके लिए ज़रूर काम करेगा। तो आइए इसको बना देखते हैं कि ये कैसे बनाना है और किस तरह से ये काम करता है वशीकरण का उपाय। सबसे पहले आप एक अंडा ले आइए और एक लाल रंग का पेन ले आइए। उसके बाद आपको उस लड़की का इस पे नाम लिखना है। तो मान लीजिए कि अगर उस लड़की का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ, अगर उस लड़की का नाम है रिंकी, तो आप उसे हिंदी में यहाँ पर लिख दीजिए रिंकी, इस तरह से। ये देखिए, मैंने उस लड़की का नाम यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके ठीक नीचे आपको इसकी माँ का नाम लिखना है। तो मान लीजिए कि लड़की की माँ का नाम अगर आता है सुनीता, तो इस तरह से हम उसकी माँ का नाम यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए, मैंने अभी नाम यहाँ पर, जो दूसरा नाम है, जो लड़की की माँ का नाम है, वो मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद आपको एक यहाँ पर बनाना है प्लस का चिन्ह, इस तरह से। देखिए, प्लस का चिन्ह यहाँ पे बना लीजिए, और आपका नाम अब आपको इस पर लिखना है। तो अभी मान लीजिए अगर लड़के का नाम है रोशन, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रोशन, और इस तरह से आपने प्लस के चिन्ह के नीचे अपना नाम लिख दिया। अब इस नाम के नीचे आपको लिखना है अपनी माता का नाम, और अगर मान लीजिए आपकी माता का नाम है मीना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मीना। इस तरह से आपने अपनी माता का नाम लिख दिया। तो इस तरह से सारे चीज़ें आपने यहाँ पे लिख दी, लड़की का नाम लिखा, लड़की की माँ का नाम लिखा, अपना नाम लिखा और अपनी माँ का नाम लिखा। अब इस अंडे को हमें इस तरह से उल्टा कर देना है, और जो इसकी साफ वाली साइड है, यहाँ पर आपको बताते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली वशीकरण का मंत्र। वो मंत्र आपको इधर लिखना होगा। तो ध्यान रखें कि इस तरह से लिखें कि ये अंडा टूटे नहीं, क्योंकि अभी मंत्र लिखने के बाद आप इस अंडे को अभिमंत्रित करेंगे, उसके बाद ही ये आपके काम आएगा। तो जो मंत्र है वो अब मैं इस पे लिखती हूँ। मंत्र इस तरह से लिखिए कि पूरा मंत्र अंडे के ऊपर आ जाए।
देखिए ये मंत्र मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मंत्र है पूरा, ओम भगवते रिंकी सुनीता वश्यम कुरु स्वाहा। जैसा कि हमने लड़की का नाम लिखा था रिंकी, लड़की की माँ का नाम था सुनीता, तो ये मंत्र है ओम भगवते लड़की का नाम, लड़की की माँ का नाम, वश्यम कुरु स्वाहा। और स्वाहा के ठीक नीचे आपको बनाना है एक स्वास्तिक का चिन्ह, तो इस तरह से यहाँ पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। ये आपका जो उपाय है, जो हम वशीकरण टोटका करने वाले हैं, ये तैयार है। अब आपको इसे अपने सीधे हाथ में रखना है, अब मार्कर की जरूरत नहीं है हमें, तो मार्कर मैं अलग रख देती हूँ। और आपको बताती हूँ कि इस टोटके से आप उस व्यक्ति को, उस स्त्री को या उस पुरुष को अपने जीवन में वापस पा सकते हैं, अगर वो आपसे रूठ गई है या आप किसी को मनाना चाहते हैं, अपने जीवन में उन्हें हमेशा के लिए पाना चाहते हैं, तो आप इसे आजमा सकते हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आपको अच्छे परिणाम देगा, यानी कि उस व्यक्ति को आपके जीवन में वापस ले आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसको करने का तरीका। जैसा कि आप इस उपाय को या तो रविवार के दिन या गुरुवार के दिन कीजिए, रात को 10 और 12 के बीच में। आपको रात के समय शुद्ध होकर, यानी कि नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर इसका उपयोग करना है। ये क्रिया करते समय आपको कोई देखे ना, इस बात का ध्यान रखें। आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके बैठें, एक आसन बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं और अपने सामने एक छोटा सा दिया लगा लें, दिया जला लें, जिसमें आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें। सरसों के तेल को, के दिए को जलाकर आपको उसके सामने बैठना है। इस अंडे को जिस पर आपने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उल्टे हाथ से इसे इस तरह से पकड़ना है। इसके बाद आपने जो मंत्र इसके ऊपर लिखा है, इस मंत्र को आपको पढ़ना है 221 बार। जिस दिन आप इसको शुरू करेंगे, अगर आपने रविवार को शुरू किया है, तो आप 3 दिन तक इसका उपयोग करेंगे, रविवार सोमवार मंगलवार। अगर आप इसे गुरुवार के दिन शुरू करते हैं, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार, 3 दिन आपको इसका उपयोग करना है। और आप देखेंगे कि जब वो लड़की आपके वश में आएगी, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर ही आपके पास कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी, या तो उसका कॉल आएगा या उनका मैसेज आएगा और वो फिर से आपकी लाइफ में आ जाएंगे। इस तरह से आप इसका उपयोग कीजिए। 3 दिन के बाद आप देखेंगे वो लड़की आपसे मिलने के लिए तड़पने लगेगी, किसी ना किसी के थ्रू आपके पास मैसेज ज़रूर पहुँचाएंगी और अपने प्यार का इजहार ज़रूर करना चाहेंगी। 3 दिन तक आप जब इस मंत्र को पूरी तरह से पढ़ेंगे 221 बार, उसके बाद आपको इस अंडे को ले जाकर आपको चौराहे पर सुबह सुबह सूर्योदय से पहले छोड़ आना है। ध्यान रखें कि उस समय आपको कोई टोके नहीं, अगर कोई आपको टोकता है तो आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है, आप बस चौराहे पर इसे रखकर आ जाइए और इस तरह से इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो भक्तों, आपने हमारा ये वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, आपको कोई सवाल पूछना है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछिए, हम आपको उसका जवाब देंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। गुरुजी ने ये मंत्र पूरी तरह से सिद्ध किया हुआ है, तो आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद भक्तों।